संसद भवन में कांग्रेस के 52 नव निर्वाचित सांसदों की बैठक में सोनिया गांधी को दोबारा पार्टी के संसदीय दल के नेता चुना गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया ने 12 करोड़ वोटरों का कांग्रेस पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हर कांग्रेस सदस्य संविधान और बिना भेदभाव के भारत के हर नागरिक के लिए लड़ता रहेगा। बैठक में नई सरकार बनने के बाद 17 जून से शुरू होने वाले संसदीय सत्र के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद 25 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसमें राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, हालांकि CWC ने इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद ये पहला मौका है जब राहुल गांधी पहली बार सार्वजनिक तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिले। हालांकि वे 28-29 मई को KC वेणुगोपाल, अहमद पटेल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ चर्चा कर चुके हैं। वहीं राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें हारने के बाद राहुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी मिले थे और वे दोनों से काफ़ी नाराज़ भी थे। दोनों नेता दिल्ली में 2-3 दिन तक उनसे मिलने की कोशिश करते रहे। हालांकि राहुल गांधी बाद में सबसे मिले भी थे, लेकिन नाराज़ जरूर दिखे। वहीं बुधवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित भी नेताओं के साथ राहुल से मिलने उनके घर गई थी, लेकिन सभी बाहर इंतज़ार करते रहे। इसके बाद बुधवार को राहुल गांधी ने कुछ तस्वीरें ट्वीट कर वायरल हुई थी, जिसमें अपने पालतू कुत्ते पीडी के साथ कार में घूमते नजर आ रहे थे। वहीं माना जा रहा है कि अब कांग्रेस ग्राउंड लेवल से शुरुआत करके अपने आप को मजबूत करेगी।